भैया जी आ रहे हैं आज जी। फाइनली। रो क्यों रहे? नहीं रहे, आप बोलेंगे रो रहे, रो रहे तो रोने लगेंगे। मेरी बहन है, वो आपके खून है, उनसे मतलब रखिए। खून है, दिल में खुशी, इस पल का क्या नाम दूँ। पैर छुए भैया का? अरे दो दो बार छुए। हाँ भैया। हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और प्यारा सा ब्लॉग में। और कल आप लोग देखे थे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाए दोस्तों, क्योंकि ब्लॉगिंग मैं नहीं किया था। मैं ब्लॉगिंग करता था, प्रॉपर सब कुछ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आप लोग को भी बताएंगे। लेकिन आज का दिन जो है बहुत ही खुशी भरा है दोस्तों। आज का दिन ये दुख बांटने वाले दिन नहीं है, आज खुशियां बांटने वाले दिन है। और ये खुशी मेरे लिए से भी ज्यादा इनके लिए है दोस्तों। इनके लिए, हाँ, इनके भैया जी आ रहे हैं आज फाइनली। और उनके साथ एक और आ रहे हैं, जो कि बहुत पहले से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इनके अपने भैया कमलेश भैया हमारा सारा वीडियो देखते हैं। कौन आ रहा है? लेकिन हाँ, इनके भैया आ रहे हैं और कमलेश भैया ही हैं। और कौन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो पहले क्या आया था, कॉल आया था ना? हाँ। किन्हीं का कॉल आया कि हाँ, हम आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, तो हम सोचे कि कुछ मतलब अच्छा बनाते हैं। तो वो लोग ना, जैसे नॉनवेज जो लोग खाते हैं, जो लोग नहीं खाते उनके लिए सॉरी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना उनको मतलब कुछ नॉनवेज बनाते हैं उनके लिए, है ना। तो हम सोचे कि कुछ नॉनवेज बनाते हैं, तो नॉनवेज में अच्छा होगा मछली। हाँ। है ना, तो सोचे कि मछली, अभी यहाँ पे मछली ही मिलेगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। एक चीज नोट कीजिए, इनके आंखों में क्या है? इनके आंखों में क्या है? जानबूझ के आप रो रहे करके रुला दीजिए, बोलेंगे कि रो रही है। तो रो क्यों रही हो? तो हम बोल रहे हैं रो क्यों रही है? नहीं रहे, आप बोलेंगे रो रहे तो रोने लगेंगे। तो जाइए मछली लेके आइए, भैया आ रहे हैं ना। जाइए, जल्दी लेट हो जाएगा। ओह माय गॉड, मेरे घर से यहाँ आने में बाइक से आधा घंटा लगता है। जल्दी आ जाएंगे, वो लोग तैयार थे पूरे, बोले कि हम लोग आ रहे हैं। बोलिए ना, पूरा सूज गया है मेरा पैर। ठीक, उनको अपने मैं जल्दी जाती हूं दोस्तों। देखिए, चल के जाएंगे 1 किलोमीटर, उधर से आएंगे, आते आते 1 घंटा लग जाएगा। और फिर यहाँ पे तैयारी करना होता है मछली का। आप अपने दोस्त को बोलिए ना, उनके बोलते हैं गाड़ी लेके ला दो मछली। तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। और अगर वो बोले कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है उनको वीडियो में आने के लिए या फिर फोटो उनके डाल देने के लिए, तो डाल देंगे। सच ही बताओ ना दोस्तों, तो बीमू के आँख में तो आंसू आ गई खुशियों से, उनके भैया आ रहे हैं मिलने के लिए। और मैं तो मेरे शादी के साथ साथ हुआ, मैं तो मंदिर मस्जिद जो भी बीमू का रिश्तेदार मुझे मिलते थे, मेरे साथ छोटे ही क्यों ना होते थे, हाथ जोड़ कर मैं उनको रिक्वेस्ट करता था, बीमू को इनके मम्मी पापा से मिला दो, भैया से मिला दो, माफ़ी मांगेंगे हम, पैर पड़ लेंगे हम, बस एक मौका दे दो। क्योंकि बीमू के भैया जो है ना, कमलेश भैया, उन्होंने हमें हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, फेसबुक वगैरह हर जगह से, और वो हमारे वीडियो सारे देखते हैं। तो उनके लिए हम मैसेज दिए थे हमारे वीडियो में, लेकिन शायद कुछ असर नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा है उनके मन में, तो क्या कर सकते। मैंने ये भी कहा था कि आप मेरे से मतलब मत रखिए, लेकिन अपनी बहन है वो आपकी खून है, उनसे मतलब रखिए। कमलेश भैया, अगर आप मेरे वजह से अपने बहन को नहीं अपना रही हो तो मुझे हटा दीजिए, लेकिन अपने बहन को तो अपना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा जो आ रहे हैं उनकी खुशी में, अपने दोस्त को बोलते हैं मस्ती ला देने के लिए। बाकी कौन कौन आ रहे हैं, आप लोग बने रहे वीडियो में, तुम ही से पूछ रहे, मेरे दोस्त को देखो कहाँ है, कहाँ है। अब बताओ कहाँ है, क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। तो मेरे दोस्त नहा रहे हैं दोस्तों, जैसे वो नहा लेंगे हम उनको पैसे देंगे और वो हमारे लिए मछली ला देंगे। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। भैया आने वाले हैं और एक और स्पेशल है, वो भी आ रहे हैं। तो और आज मैं कल ही एक्सीडेंट हो गया मेरा, और मेरा हालत इतना ख़राब हो गया है, मैं रात भर नहीं सोया हूँ दोस्तों, इतना दर्द हो रहा था और हड्डी पर चोट है। तो सोच रहे थे कि एक्सरे करवाना पड़े तो करवा लेंगे, क्योंकि चोट काफ़ी गंभीर लग रही है, फूल गया है पूरा एरिया। और रात भर नहीं सोया तो देखो आँखों के नीचे पूरा डार्क सर्कल आ गया है, आँखों के नीचे रात भर सोया ही नहीं है मैं, इतना दर्द, मैं छटपटा रहा था दर्द से। पता है कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? वो नहा रहा है अभी, बोले हैं कि नहा लीजिए जल्दी जल्दी। टमाटर, मिर्ची और धनिया भी ले लेते, उतना चीज वो लाएंगे, बस उतना ही वो ले लेंगे, आपकी तरह नहीं है वो। टमाटर अपने घर के सब्जी सब लाते रहते हैं, मेरे तरह नहीं, मतलब मेरे से बता, आप नहीं लाते हैं तो मैं नहीं लाता तो मैं बुरा हो गया? बुरा नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उनको ज्यादा नहीं लगेगा कि मछली लाने जा रहे हैं, थोड़ा टमाटर धनिया और मिर्ची ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हम इसलिए बोले कि एक काम दे ही रहे हैं, दो तीन और काम क्यों देंगे बेचारे। दो तीन काम वहीं पे जा रहे हैं, मार्केट में ही जा रहे हैं, और उनके मम्मी ही वो बेचती है सब्जी, तो वहीं पे ले लेंगी मम्मी के पास। अच्छा, सुहाना से हम पूछ रहे थे, सुहाना कौन आ रहे है पता है?
आपके मामा श्री आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मामा श्री और एक और लोग आ रहे हैं जिन्हें आप पहले से जानती हो। अभी इमोशनल थी और अभी खुश हो रही है बेचारे। ओहो खुशी 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 हाय खुशी झलक रही है। मम्मी खुश से पहले कभी इतना खुश देखी हो? नहीं नहीं देखी हो। सुहाना बोल रही कि नहीं देखी है तो सच में आज अपने भैया कहने से और इतने खुश हो? जिस दिन कमलेश भैया जाएंगे उस दिन क्या होगा? जब मेरा शादी नहीं हुआ था ना तो एक सर थे, सर मुझे क्या बोले थे कि तुम्हें नहीं पता जब शादी हो जाता है ना, जब मतलब उनको पता चला था हमारे बारे में तो मुझे समझा रहे थे कि शादी मत करो ना तुम्हारा मायके छूट जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि शादी के बाद जब मायके का कुत्ता भी आता है ना तो बहुत खुशी मिलती है। सुहाना भी हंस रही है मम्मी की बात से। सुहाना पता भी नहीं हंस रही है। वो सर का नाम बताओ जरा सर। जीवत सर। जीवत सर। ओह आपके ही गांव के। और इस वीडियो की आखिरी में हम एक चीज़ आप सबसे शेयर करेंगे हमारी YouTube फैमिली और साथ में कमलेश भैया से भी कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के आखिरी में। उनको कुछ मत कहिए प्लीज, छोड़ दीजिए उनको। कितना डरती हो आप? डरते नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि वो जो नहीं चाहते वो अब कम से कम ना करें। होता है ना कि एक बार जो हो गया सो हो गया, अब वो जिए और हमें जीने दे, हमारा नाम ना ले, वैसे चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ अब कम से कम छोड़ दीजिए। क्या अब किसने बोला आपको कि वो चाहते हैं कि आप उनका नाम लो? मुझे लगता है। लगता है? क्या लगता है? यही आपके लगने से क्या हो जाएगा? हाँ वो बोलते हैं घर में। घर में बोलते हैं तो घर के लोग बाहर बोलते हैं तो बाहर के लोग हमें आके बोलते हैं। अच्छा जी, तो मतलब कमलेश भैया ऐसा बोले हुए हैं? हाँ। क्या मेरे नाम क्यों लेते हैं ऐसे भी, हमारे नाम से क्यों लेते हैं वो लोग? हाँ तो ये सवाल है आपसे, क्यों लेते हो बताओ? आपके तरफ से हो सकता है मतलब हम कुछ भी ना हो लेकिन हमारे तो है। मत रो मान जाएंगे कमलेश भैया, मान जाएंगे। आप तो आप उनकी लाडली बहना हो, कितने दिन गुस्सा रहेंगे आपसे? 7 साल कम है क्या? बहुत है ना सुहाना। आप अपने मामा से कुछ कहना चाहती हो? हाँ। क्या मामा प्लीज। हाय राम, ये कौन सा सिचुएशन है, मोमेंट है आँखों में, दिल में खुशी, इस पल का क्या नाम दूँ? खुशी का पल। खुशी का पल। खुशी के पल मैं कहाँ ढूँढूँ, बेवजह साया। कोई आया हुआ है दोस्तों दरवाजे पे? अच्छा ये उदय गया था गांव, छुट्टी था कॉलेज में एक दिन का तो गांव चले गए थे। ये दोनों दोस्त आ गए, क्या लेके आए हो? क्या है, गेस करो क्या है? गिफ्ट है। नाके हाथ में क्या है? दूध भी है। बाप रे बाप रे, इतना बड़ा बोरा है, बोरा में दो दो चीजें। चलो दोस्तों इसमें क्या लाया है उदय आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। क्यों लेके आए हैं, हम कहाँ बोले थे लेके आने को? क्या लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं, अगले वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आज एक गुड न्यूज है पता है इस वीडियो में? बताओ क्या गुड न्यूज है? क्या गुड न्यूज? इनके भैया आ रहे हैं। रियली? देख नहीं रहे इतना सर्च भर रहे, इनकी आंखों में आंसू देख लो, उसे ही पता नहीं चलता है। अभी तुम आए तो आंसू सूख गया, अभी आंसू था इनके। लेकिन सच में इनके भैया आ रहे हैं और साथ में एक लोग और आ रहे हैं। पर्सनली भैया की कौन सा भैया आ रहे हैं फिर देख लेना कौन सा वाला भैया है, सब भैया भैया ही होते हैं। और ये दही लाए हैं उदय, दही खिलाएंगे उन सबको। चलो इस बार काम आ गया, चीज काम आ गया। या जाओ जाओ जाओ, पहले आप जाओ बाद में मैं आऊंगा। सच में आ गया दोस्तों, लेकिन अभी शूट नहीं कर सकते, हम बाद में दिखाएंगे आपको, ठीक है? पहले चलते हैं। तो मिल लिए, मैं मिल रही हूँ। मैं बोली चाय पियेंगे कि ठंडा, तो बोले चाय। हाँ चाय बनाते और मैं मिलूँ कि नहीं मिलूँ, मैं वो पूछ रहा हूँ। कैसे मिलूं? चलिए मैं मिलवा देती हूँ। कैसे मिलूं के क्या मतलब? हाँ वही ना, मुझे नहीं पता कैसे मिलते हैं। क्या पता मुझसे मिलना चाहेंगे, मुझसे मिलना चाहेंगे कि नहीं? हाँ चलिए, क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, आपके घर पे आए तो आपको नहीं मिलेंगे। आपके घर पे आए? हमारे घर पे नहीं, आपका घर है सिर्फ ये। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लाने के लिए,
अगर यहाँ पे दूध मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे कॉल करके बोलना पड़ेगा कि दूध भी लेते आओ। सामने दुकान है, इसमें दूध रखा करते हैं, अभी है कि नहीं चलिए पूछते। दूध है? दूध आधा लीटर दूध हमें यहीं पे मिल गया दोस्तों, तो ले लेते हैं और उसके बाद भैया सबसे जाके मुलाकात करेंगे। तो दूध यहाँ पे हम रख दिए और पतीला भी चढ़ा दिए गैस पर, और बीमू शायद रूम में ही है अभी तक। हाँ आ गई, तो ला दिए हम दूध, बनाइए चाय। क्या बात है भैया? क्या भैया वेजिटेरियन है? हाँ तो मना कर दे लाने के लिए। भाभी खाती है। कौन? भाभी, उनके ही वाइफ। अच्छा, मैं बोली कि भाभी क्यों नहीं लेके आए। हाँ तो दूध चाय पिला देते हैं, दही चूरा भुजिया बना देते हैं। हाँ आप सबके लिए दही तो फेवरेट है, दही रहेगा तो दही चूरा भुजिया होता है ना सर? होता है। हाँ। ये तो मुझे नहीं पता। होता होगा, आपको क्या पता है? आपको क्या नाश्ता होता है? मुझे नाश्ता में कुछ और ही पता है। क्या? जैसे कि परोठा हो, सब्जी हो। हाँ ये सब तो होता है, तो कुछ टाइम लगेगा ना। मैं बोली कि बना तो कुछ नहीं खाएंगे बोल रहे, मैं बोली नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा, दही चूरा खा लीजिए। आपको बात है, आप अपने उनसे वही, उनसे तो हजार सुबह मिल चुके हैं। तब आप, मैं बोलूंगी ना, लाइए ना मोबाइल। क्या बोलोगी? करती हूँ फोन, आपको मिल पाऊंगी। कैसे मिल पाऊंगी? आइए आप बोलिएगा, हेलो सर हूँ बोलेंगे, उनको पैर छूए। अच्छा ये बीमु फिर से चाय बनाने लगी। ठीक है, मछली आया ही नहीं है मार्केट में। हाँ वो बोले कुछ और अच्छा बड़ा मछली नहीं होता है, वो वाली है। तो बोले कि छोड़ दीजिए, वो खाते भी नहीं अभी। हाँ और मछली मार्केट में बिकने के लिए अभी आया भी नहीं है। तो ये चाय है, बिस्किट बिस्किट लाती है और ये सारा काम कर लेंगे बिना ब्लॉगिंग के, फिर बोलेंगे अभी हम मिल लिए सबसे। हाँ पेट छुए भैया का? अरे दो दो बार छुए। हाँ भैया चाय। तो भैया जी को चाय टकरा गए हैं, भुजिया बना रहे हैं दोस्तों। देखिए बीमू और भैया सब मिलकर चाय पी रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे भुजिया बना दे रहा हूँ। तभी अब बीमू भी चाय पीने फिर से यहाँ आ गई और ढेर सारी बातें हो रही है इन दोनों के बीच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू ब्रो, नॉट मच। ए टी एम हो गया, अब लगा तो नाश्ता सभी। एटीएम दोस्त के पास है। वाह, फुल बॉडीगार्ड के भेष में है आज। हाँ लग रहे हैं। नहीं वो क्या होता है जो ब्लॉगर सब का होता है ना, ब्लैक ब्लैक कपड़ा। बाउंसर बाउंसर बाउंसर। हाँ बाउंसर की तरह लग रहे हैं पूरा बॉडी। नहीं ऐसा लग रहे हैं बॉडी, वही तो बोल रहे हैं, पूरा बाउंसर की तरह लग रहे हो। आज मुझे जरूरत भी है बाउंसर की। थैंक यू। यहाँ पे फाइनली सबके लिए नाश्ता बन रहे हैं। अभी फिर से हम दूध मंगवाए, पैकेट वाला दही है ये। हाँ दही मंगवाए, सॉरी मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ आज। तो ये वाला दही यहाँ तो ऐसा कोई सही है, और ये वाला फिलहाल भी मंगवाए। मम्मी बोली वही खा लेंगे, तो ये बोले कि नहीं होगा उतना से। हाँ हो जाता। पहली बार आए हैं आपके भैया सीढ़ी, तो वो नॉनवेज नहीं खाते। हम तो सोचे थे मछली मंगाने को, उदय को भेजे थे, उधर मछली भी बोले कि नहीं है, कौन अच्छा वाला मछली नहीं। अच्छा वो तो बाहर रहते है ना? हाँ जॉब पे, पुलिस में। तभी गाँव वापस आने का कोई? कोई वो नहीं। का? नहीं। वैसे ही तो ये देखिए चूरा, दही, भुजिया और ये अचार है। तो ये सब हो गया इतना, चलिए भी मुझे खिला दीजिए प्यार से। यहाँ पे भैया लोग को नाश्ता लगा दिया, हट बेटा हटो। सुहाना मामा पेट छू, पेट छू, पेट छू। बोले कि मैं बोली वो बना दूंगी पराठा, तो भैया बोले कि नहीं अभी खा के आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा ये चूरा दही भुजिया डाल दिए। तो फाइनली इनके भैया और जो आए थे दो लोग, वो दोनों जा चुके हैं और हम बीच का सारा सीन को काट दिए। कि दिखाओगे? हम दिखा देंगे, भैया बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, उनको काट दोगे? वो जो भैया के साथ एक आए थे ना, वो कम्फर्टेबल नहीं है। अच्छा तो उनको भी कहीं शादी में से बायकॉट ना कर दें। गुड मॉर्निंग फैमिली, ये है अगला दिन और कल भैया आए थे, भैया लोग काफ़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सच में जब मायके से कोई भी आता है ना, तो मतलब बहुत खुशी मिलती है। भैया आए, देखने आए थे कि
किस हाल में है, हम कैसे रह रहे हैं, क्योंकि शादी का 7 साल होने वाला है। और होता है ना, कोई भी मतलब उधर से होता है, मतलब नहीं आए हैं, तो वो भैया अपना भैया है, मतलब जैसे होता है ना कि एक दियाद का वैसे वाले हैं। तो देखने आए थे कि किस हाल में हम रह रहे हैं, कैसे हैं। आए तो सारा घर सब दिखा दिए, बोले कि देखेंगे, दिखा दिए। और ऊपर पिलर उलर दिए हैं, तो बोले कि क्या कब घर बन रहा है, तो बोले कि अभी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, देखते हैं कब तक हो जाता है, तो ऊपर घर बना लेंगे, जैसे ऊपर हमारा बन जाएगा तो फिर नीचे का सारा रेंट पे डाल देंगे। ऐसे करके सारे बहुत सारे बातें बातें की, बाकी बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि अपना मायके से कोई भी आता है तो मतलब एक शादीशुदा औरत इस बात को मतलब रिलेट कर पाते हैं कि जब उनका मायके का कोई भी आते हैं तो कितना खुशी मिलता है। तो यही सब था इस वीडियो में, बाकी अपना खुशी हम आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को हम एंड करते हैं। और चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या कुछ होता है आगे सब कुछ आप लोगों को बताएंगे, तब तक ख्याल रखिए। बाय बाय।